नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एनवी डिजिटल पर स्वागत है। मैं निकुल वाघेला आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो स्पेशली टैक्स पेयर के लिए है जो मंथली अपना टैक्स पे करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म 16 आने से पहले आपका टोटल टैक्स डिडक्शन कितना हुआ है वो कैसे जान सकते हैं। तो चलिए बिना देर की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में गूगल क्रोम पे जाना है। में जाने के बाद सिंपली सर्च बार में आपने टाइप कर देना है ITR ऑनलाइन या ITR लॉगिन या ITR ई फाइलिंग। इन तीनों में से कोई भी टाइप करेंगे आप टैक्स डिपार्टमेंट की ही वेबसाइट में जाएंगे। तो मैं ITR ऑनलाइन पे क्लिक कर लेता हूँ। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी www.incometax.gov.in, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो सिंपली मैं आपको मोबाइल व्यू में ही दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप व्यू करेंगे तो शायद आपको ठीक से दिखाई ना दे। तो सबसे पहले ये प्रोफाइल जैसा जो सिंबल बना है, प्रोफाइल का सिंबल, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा, एक होगा रजिस्टर का, एक होगा लॉगिन का। अगर आप लोग रजिस्टर नहीं हैं तो सबसे पहले खुद को रजिस्टर करिए। तो हमारे केस में ऑलरेडी रजिस्टर हैं, काफ़ी सालों से IT रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। लॉगिन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा जहाँ से आपको आपका यूज़र ID पूछा जाएगा। एंटर योर यूज़र ID, यहाँ पे लिखा भी है यूज़र ID, पैन, आधार या अदर यूज़र ID अगर आपने क्रिएट की है तो वो एंटर करनी होती है। मोस्ट ऑफ केस में पैन नंबर ही यूज़र ID होती है, तो हम सिंपली यहाँ पे पैन नंबर एंटर कर लेते हैं। पैन नंबर एंटर करने के बाद हमें सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम एक मैसेज टाइप करते हैं, तो वो मैसेज हमने सिक्योर कर लेना है। उसके बाद एंटर योर पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने जो पासवर्ड हमने अपना रखा है वो पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन हो जाने के बाद सिंपली हमें राइट साइड पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन ई फाइल पे हमने क्लिक करना है। ई फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। 3 ऑप्शन में से हमें सबसे पहला ऊपर वाला इनकम टैक्स रिटर्न वाली टैब पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न वाली टैब पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, 5 ऑप्शन में जो 4th नंबर पे जो ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26S, सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से डिस्क्लेमर आएगा, उसमें आपने कन्फर्मेशन दे देना है। कन्फर्मेशन दे देने के बाद वो हमें TDS वाले पेज पे ले जाएगा, अलग वेबसाइट है। तो यहाँ से हमें क्या पूछा जा रहा है, अटेंशन टैक्स पेयर, तो ये वाले कॉलम पे हमें एग्री कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सामने लिखा हुआ है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल सामने आ जाएगी, पैन नंबर, अपना नाम, एड्रेस, ये सब वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है कि हम कौन से असेसमेंट ईयर का
26S देखना चाह रहे हैं। तो अभी जो करंट वाला जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, जिनका फॉर्म 16 तो हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हम यहाँ से अपना TDI डिडक्शन पता कर सकते हैं कितनी हमारी टैक्सेबल इनकम है और कितना हमारा डिडक्शन हुआ है। तो अभी करंट असेसमेंट ईयर जो चल रहा है वो 22-23 चल रहा है। व्यू एस आपको पूछा जाएगा आप किस में व्यू देखना चाहते हैं इसका, तो हम सबसे पहले तो HTML वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद व्यू वाली टैब पे क्लिक करेंगे सिंपली। तो हमें जो है अपना 26S यहाँ पे दिखाई देगा, ये HTML फॉर्मेट है। HTML फॉर्मेट के बाद HTML फॉर्मेट के बाद एक्सपोर्ट एज PDF वाला जो टैब है वो पॉपुलेट हो जाएगा। तो सिंपली हमें इसको एक्सपोर्ट कर देना है PDF पे। PDF में हम जैसे इसको एक्सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा PDF रेडी होने में। जैसे ही PDF रेडी हो जाएगी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ये डाउनलोड हो चुकी है आपकी PDF, आपका फॉर्म 26S रेडी है। ऊपर आपकी यहाँ पे डिटेल होगी, आपने किन किन मंथ में कितना कितना सैलरी लिया है, अमाउंट पेड क्रेडिट और टोटल अमाउंट कितना हुआ है उसका फिगर यहाँ पे लिखा होगा, और उनकी डिडक्शन कौन कौन से मंथ में कितनी कितनी डिडक्शन हुई है वो सारी यहाँ पे लिखी होगी, और उसका टोटल कैलकुलेशन भी आपको ऊपर दिया होगा। यहाँ पे आप जो 26S का व्यू देख रहे हैं इसमें जो टैक्सेबल इनकम और टोटल TDS डिपॉजिट दिखा रहा है ये पूरा नहीं है, इसमें लास्ट वाला क्वार्टर अभी तक मिसिंग है जो अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप कुछ दिन बाद अपना 26S व्यू करेंगे तो शायद टोटल TDS इसमें अपडेट हो जाए। अभी का जो इसमें TDS कटा है ये पूरा नहीं है, तो आपको अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तो बस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि फॉर्म 26S कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।